जय श्री गुरुदेव जी। साधना का मार्ग हो या जीवन का मार्ग, दोनों ही मार्ग में एक सवाल हम सब के जहन में आता ही है, मैं ऐसा क्यों, मेरे जीवन में ऐसा क्यों, मेरी परिस्थितियों का क्या कारण है और मैं इनसे पार कैसे जा सकता हूं। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे, आखिर हमारा जीवन ऐसा क्यों है, हमारे जीवन में सामने आने वाले रोग दोष शोक का क्या कारण है। और मेरे जीवन में ही रोग दोष शोक क्यों है, मैं ऐसे कई लोगों को देखता हूं जिनका जीवन बहुत सहज है, वो मुझे बहुत खुश नजर आते हैं, उनके जीवन में ऐसी कोई परेशानी दिखाई नहीं देती जो सिर्फ मेरे जीवन में दिखाई देती है। मेरे जीवन की परिस्थिति आश्चर्यजनक रूप से दूसरों से अलग है, और परिस्थितियां अलग होती हैं तो नतीजे भी अलग ही होते हैं। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति अपने आप में अनूठा है, अद्वितीय है, अलग है और अलग तरह की परिस्थितियों से घिरा हुआ है। रोग दोष शोक में भी वैरायटी है, कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कठिनाइयों से जूझ रहा है, कोई शारीरिक व्याधियों से जूझ रहा है, कोई मानसिक परेशानियों से घिरा हुआ है, किसी को करियर संबंधी दिक्कतें हैं, और कुछ लोग तो बचपन से ही परेशानियों से बाधाओं से जूझते हैं, पैदा होते से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। साधना का मार्ग हो या जीवन का मार्ग, दोनों ही मार्गों में कई बार अनएक्सपेक्टेड अवांछित अकल्पनीय बाधाएं खड़ी हो जाती हैं और फिर व्यक्ति उनसे पार पाने का संघर्ष करता है। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई अस्वीकार्यता है, हम अपने जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाते और इससे कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं, संघर्ष करने की क्षमता घट जाती है, हताशा आ जाती है, निराशा घेर लेती है और वो कठिनाइयां और ज्यादा गहन गंभीर हो जाती हैं। इसे जो व्यक्ति समझ लेता है वो आसानी से आगे बढ़ जाता है, जो नहीं समझ पाता वो घिर कर मर जाता है। घिर कर मरने का अर्थ शरीर छोड़ देना नहीं, घिर कर मरने का अर्थ है उन परेशानियों में, कठिनाइयों में, रोग दोष शोक में डूब जाना, स्टक हो जाना, रुक जाना, आगे नहीं बढ़ पाना। आगे बढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जीवन सतत प्रवाह का नाम है, निरंतर हमें आगे बढ़ते रहना है। परिस्थितियां चाहे जो हों, संकट चाहे जैसा भी हो, महापुरुषों ने, श्री गुरुदेव ने कहा है कि आप आगे बढ़ते रहिए। सिद्ध योग मार्ग भी
आगे बढ़ते जाने का नाम है। श्री गुरुदेव ने कहा है कि आप मेरे द्वारा दिया गया नाम जपिए, संकट बाधा परेशानी कोई भी हो उसका हल निकलेगा, बाधाएं खत्म होंगी, परेशानियां मिटेंगी। लेकिन परेशानियां कब मिटेंगी? तब जब हम उन परेशानियों को, परिस्थितियों को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। जो भुगते उसी की भूल के फॉर्मूले के आधार पर आगे चलेंगे। श्री गुरुदेव ने कहा है कि आप आस्था को विभाजित मत होने दीजिए, मेरे ऊपर आस्था रखिए, विश्वास रखिए, सिद्ध योग के मार्ग पर चलते रहिए, नाम जप करते रहिए। सिद्ध योग मार्ग का सफलता का एकमात्र फॉर्मूला है सद्गुरुदेव में निरंतर आस्था, पूर्ण आस्था, नाम जप और चलते रहना। जीवन की परिस्थितियों को सहज स्वीकार करना। स्वीकार्यता क्यों नहीं आती? स्वीकार्यता इसलिए नहीं आती क्योंकि हम अपने जीवन की परिस्थितियों की जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं। हमारा ईगो हमें एक्सेप्ट नहीं करने देता कि जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आई हैं उनका चुनाव हमने स्वयं किया है। पहले भी वीडियोस में हम इन सब बातों पर चर्चा करते रहे हैं, फिर से इन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि हम बार बार उसी तरह का प्रश्न उठाते हैं, उसी तरह के प्रश्न हमारे जहन में आते हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो रोग दोष शोक से न घिरा हो। कोई व्यक्ति आज सुखी दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जीवन में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। एक न एक दिन उसे रोग दोष शोक से घिर जाना ही पड़ेगा। ऐसे विरले ही लोग होते हैं जिनका जीवन निर्दोष होता है। लेकिन ये जो परेशानियां हैं, रोग दोष शोक कष्ट है, ये क्यों है? फिर बात आती है प्रारब्ध, कर्म और संस्कारों की। कुछ लोग इसे ढकोसला मानते हैं, लेकिन ढकोसला मानने से सच्चाई पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। रोग दोष शोक परेशानियां प्रारब्ध, कर्म और संस्कारों का ही नतीजा होते हैं। और हर बार रोग दोष शोक और कठिनाई के पीछे का कारण सिर्फ हमारे पाप कर्म नहीं होते, उनके पीछे का कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकती है। हमारे जीवन को मिला हुआ उद्देश्य हो सकता है, वो पाठ हो सकता है जिसे हमें पढ़ना है, वो परीक्षा हो सकती है जिसे हमें पास करना है। किसी की लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस है। अब वो फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति आज फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है तो वो व्यक्ति हर जन्म में ही आर्थिक तंगी से जूझता रहा हो। ये जीवन महाजीवन का एक पार्ट है। इस बात को गहराई से हमें समझना चाहिए। महाजीवन
अनंत जीवन का समुच्चय है। कभी हम आर्थिक रूप से उन्नत होते हैं, कभी हम आर्थिक रूप से तंग होते हैं। किसी जीवन में हमें बहुत प्रचुरता मिली हुई होती है और किसी जीवन में हमें अभाव ही अभाव मिले होते हैं। यह सिलसिला चलता रहता है क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ते। किसी व्यक्ति को किसी जीवन में प्रचुरता मिली तो वो उस प्रचुरता का सदुपयोग नहीं कर पाता, उस प्रचुरता के पीछे का तात्पर्य नहीं समझ पाता और उस प्रचुरता से जीवन को समुन्नत करने की बजाय उस प्रचुरता के कारण वो ऋणों से घिर जाता है। किसी व्यक्ति को यदि पैसा पद प्रतिष्ठा मिली है तो वो क्यों मिली है? वो इसलिए मिली है कि वो उसका उपयोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति में करे, समाज में सतुगुण के उत्थान के लिए करे, परोपकार के लिए करे, ईश्वरीय कार्यों के लिए करे, इस धरती को और सहज, समुन्नत, ईश्वरीय गुणों से युक्त बनाने के लिए करे। लेकिन व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति उस धन का, प्रचुरता का उपयोग अपने भौतिक लाभ के लिए, भोग विलास के लिए करता है। जिन चीजों की आवश्यकता नहीं रहती उन चीजों की परचेजिंग करता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है, शक्ति का दुरुपयोग करता है, फिर अगले जन्म में ईश्वर उसे अभाव दे देते हैं। जिन चीजों का उसने दुरुपयोग किया है उन चीजों से उसे महरूम कर देते हैं। तब वो रोता है, बिलबिलाता है कि मेरे जीवन में अभाव क्यों। लेकिन वो ये नहीं जान पाता कि इसके पीछे प्रारब्ध की एक कड़ी है। उसे अभाव इसलिए नहीं मिला कि उसने प्रारब्ध में कुछ नहीं किया, उसने प्रारब्ध में कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसके कारण उसने जीवन उद्देश्यों से दूरी बना ली, ईश्वर के गुण अपनाने की बजाय वो उनसे दूर होता चला गया और इसी वजह से ईश्वर ने उसे अभावों से ग्रस्त कर दिया, ताकि वो समझ सके कि जीवन में जो भी मिलता है उसका उद्देश्य होता है, उसके पीछे एक कारण होता है। तुमने उन कारणों से दूरी बनाई, तुमने उन उद्देश्यों की पूर्ति पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुम्हें अभाव से ग्रस्त कर दिया। कोई व्यक्ति स्वस्थ है, हेल्दी है, स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, आकर्षक है, उसने अपने आकर्षण का दुरुपयोग किया, उसने मिले हुए स्वास्थ्य का सदुपयोग नहीं किया तो उसे अगले जन्म में स्वास्थ्यगत परेशानियां मिलेंगी। अभाव का अर्थ ही यह है कि प्रभाव का महत्व समझना, जीवन उद्देश्यों को समझना बहुत जरूरी है। और इस विषय पर पहले भी कई बार हमने चर्चा की कि जीवन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है। उद्देश्य की प्राप्ति कीजिए, पाठ को सीखिए, वो परिस्थिति हट जाएगी। ईश्वर आपको क्या सिखाना चाहता है? क्या वो आपको धैर्य सिखाना चाहता है? क्या वो आपको प्रकृति पर मौजूद संसाधनों का महत्व समझाना चाहता है? वो कौन से गुण आपको सिखाना चाहता है?
किस गुण की आपके जीवन में कमी है, उस गुण को आप सीख जाइए, आपके जीवन से वो अभाव, वो परेशानी खत्म हो जाएगी जिसका उद्देश्य आपको उन गुणों से पूरित करना है। यही जीवन का सूत्र है। किसी के जीवन में जीवन साथी से संघर्ष है। वो संघर्ष क्यों है? उस जीवन साथी के माध्यम से प्रकृति आपको क्या सिखाना चाहती है? धैर्य सिखाना चाहती है, निस्वार्थ प्रेम करना सिखाना चाहती है, आखिर क्यों इतना संघर्षपूर्ण जीवन साथी मिला? यह समझने की बात है। किसी के जीवन से जीवन साथी विदा हो जाता है, असमय ही वो अकेला हो जाता है। उस अकेलेपन के माध्यम से प्रकृति आपको क्या सीख देना चाहती है, कौन सा लाइफ लेसन सिखाना चाहती है, ये समझने की बात है। किसी के जीवन में स्वास्थ्यगत समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, उस बीमारी से आपका कौन सा अकाउंट सेटल होना है, ये समझने की बात है। तो जो भी कुछ हमारे जीवन में है, सबसे पहले तो उसे हमें धैर्यपूर्वक शांति से स्वीकार करना है, सोचना है, विचार करना है, अपने अंतर मन से करुण पुकार करनी है, श्री सद्गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि वो जीवन की कठिन परिस्थितियों से मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करें। जल्द से जल्द आप उन कारणों की खोज कीजिए जिन की वजह से वो परिस्थिति, रोग दोष, शोक, डर उत्पन्न हुआ। और जो लोग सिद्ध योग मार्ग में हैं, वो अधिक से अधिक नाम जप करें, अपनी आस्था के साथ गुरुदेव का स्मरण करें और जीवन को सहज रूप से जीने का प्रयास करें। रोने झीकने से नए कर्म बंधन क्रिएट होंगे। रोने झीकने से समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। रोने झीकने का कोई अर्थ ही नहीं है। हम दिन रात अपने परेशानियों का रोना रोते रहें, दूसरों से डिस्कस करते रहें, ईश्वर को कोसते रहें, अपनी किस्मत को कोसते रहें, कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम जीवन की परेशानियों से बचने की कोशिश में अनेक तरह के उपाय करते हैं, लेकिन उपाय का कोई अर्थ नहीं है। उपाय से कोई फायदा होगा ही नहीं, क्योंकि उन परेशानियों का उद्देश्य आपके उपाय से कहीं ज्यादा बड़ा है। आप किसी भी शॉर्टकट से परेशानियों से निजात नहीं पा सकते, लेकिन यदि आप निरंतर साधना के मार्ग पर, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो वो परेशानियां विदा हो जाती हैं, रोग दोष शोक विदा हो जाते हैं, क्योंकि आप जीवन के सही मर्म को समझ लेते हैं। रोग दोष शोक हमारे कारण या सूक्ष्म शरीर की उपज होते हैं, हमारी प्रारब्ध की स्मृतियों की उपज होते हैं। उन स्मृतियों को हम पितृदोष कह सकते हैं, प्रारब्ध के दोष कह सकते हैं, प्रारब्ध के संस्कार कह सकते हैं, प्रारब्ध की बुरी ऊर्जाएं कह सकते हैं। जब तक वो स्मृति, वो दोष, वो संस्कार कारण और सूक्ष्म शरीर से विदा नहीं होंगे, तब तक वो स्थूल शरीर से नहीं जाएंगे। कोई व्यक्ति कैंसर से ग्रस्त हो जाता है, वो कैंसर क्यों? वो कैंसर प्रारब्ध के किसी संस्कार की वजह से हमारे शरीर में आता है, पितृदोष की वजह से आता है, पितृ स्मृतियों की वजह से आता है।
वो स्मृति जब तक शेष है तब तक उस कैंसर से निजात नहीं मिलेगी। व्यक्ति जाएगा, कैंसर का ऑपरेशन कराएगा, रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी लेगा, लेकिन कैंसर फिर पैदा हो जाएगा। किसी भी बीमारी का आप इलाज करा लीजिए, लेकिन वो बीमारी रीऑकर हो जाती है, फिर से पैदा हो जाती। क्यों? क्योंकि उसका बीज सूक्ष्म और कारण शरीर में मौजूद है। श्री सद्गुरुदेव नाम जप की महिमा बताते हैं, कहते हैं कि आप नाम जप करते जाइए। नाम जप से क्या होता है? हमारे अंदर की दैवीय अग्नि प्रज्वलित रहती है, योगाग्नि प्रज्वलित रहती है। उस योगाग्नि से हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, हमारे अंदर मौजूद प्रारब्ध की स्मृतियों का नाश होता है। जिन स्मृतियों से रोग दोष शोक पैदा हुए, जिन संस्कारों से कर्म बंधन से परिस्थितियां पैदा हुई, जब वो संस्कार मिट जाते हैं, जब चित्त की वो वृत्ति खत्म हो जाती है, स्मृतियों का दोषों का नाश हो जाता है, तो भौतिक जीवन से वो रोग दोष शोक विदा हो जाता है। अपने अंदर के देवता को हमें जगाना है। उस देवता को जगाने का मार्ग श्री सद्गुरुदेव सियाग जी ने दिया है। उनकी तस्वीर को देखो, उनके द्वारा दिए गए संजीवनी मंत्र का जाप करो। उस संजीवनी मंत्र से भौतिक शरीर की शुद्धि के साथ आत्मिक शरीर की शुद्धि भी होगी। सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर की शुद्धि भी होगी, कोषों की शुद्धि होगी। रोग यदि अन्नमय कोष से पैदा हुआ है तो अन्नमय कोष की शुद्धि के साथ ही वो रोग विदा हो जाएगा। रोग यदि मनोमय कोष से जुड़ा है तो मनोमय कोष की शुद्धि के साथ रोग विदा हो जाएगा। रोग यदि प्राणमय कोष से जुड़ा है तो प्राणिक क्रियाओं से वो रोग विदा हो जाएगा। विज्ञानमय कोष से जुड़ा है, चित्तमय कोष से जुड़ा है, आनंदमय कोष से जुड़ा है, सत्यमय कोष से जुड़ा है, जिस भी कोष से जुड़ा है, जब साधना उस कोष में पहुंचेगी, रोग विदा हो जाएगा। किसी व्यक्ति को शुरुआत में अन्नमय कोष से जुड़ी हुई क्रियाएं हो रही हैं, सिद्ध योग मार्ग की बात कर रहा हूं, और उन क्रियाओं से उस दोष की, उस रोग की निवृत्ति नहीं होती, तो ये मानकर चलिए कि वो किसी और कोष की उपज है। जब तक साधना संबंधित कोष में नहीं पहुंचेगी, तब तक उस रोग दोष शोक की निवृत्ति नहीं होगी। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति का निरोध होने पर तमाम तरह के संस्कार खत्म हो जाते हैं, और संस्कारों से पैदा होने वाले रोग दोष शोक भी खत्म हो जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव कहते हैं कि पूर्ण रोगों की मुक्ति समाधि की अवस्था में ही होगी। जब तक साधक समाधि की अवस्था में नहीं पहुंचेगा, रोगों से पूर्ण मुक्ति संभव नहीं है। रोग दोष शोक तब तक चलते रहेंगे जब तक व्यक्ति समाधि की अवस्था में नहीं पहुंच जाता। इससे पहले व्यक्ति के जीवन में यम घटित होगा, नियम घटित होगा, आसन होंगे, प्राणायाम होगा, प्रत्याहार होगा, धारणा लगेगी, ध्यान होगा, फिर समाधि की अवस्था आएगी। जैसा कि महर्षि पतंजलि ने कहा है, पतंजलि ने जो क्रम बताया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, हर साधक को इन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। नाम जप करते रहिए, एक के बाद एक स्टेज बदलती रहेंगी। क्रम परिवर्तित भी हो सकता है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति के लिए क्रम का महत्व नहीं है। वो कभी आपको आपके जीवन में यम लेकर आएगी, कभी नियम लेकर आएगी,
कभी धारणा लेके आ सकती है, कभी ध्यान की अवस्था आ सकती है, कभी समाधि की अवस्था भी आ सकती है। लेकिन पूर्ण समाधि की अवस्था जब तक न आ जाए तब तक रोगों की पूर्ण निवृत्ति संभव नहीं है। इस चीज को हम समझ लें, जीवन आसान हो जाएगा। महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र में बताया है, सिद्ध योग के मार्ग में, उसी योग सूत्र के आधार पर परिवर्तन आता है। तो इस चीज को समझिए कि ये है क्या। यदि हम महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए हुए योग मार्ग को समझ लेते हैं तो हम सिद्ध योग के मार्ग को समझ लेते हैं। यही साधना का सूत्र है, यही जीवन का सूत्र है। जीवन हमें यही योग सूत्र सिखाने के लिए मिला है। योग शब्द का अर्थ है युज समाधो। योग शब्द का अर्थ हुआ समाधि, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध। महर्षि पतंजलि योग दर्शन को हम सबको पढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम्। चित्त की अज्ञान रूपी गति को, प्रवाह को रोककर ज्ञान रूपी प्रवाह की ओर ले जाने वाली बात योग का आधार है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के अभ्यास की बात कही है। गुरुदेव कहते हैं कि अष्टांग योग आपके जीवन में स्वयं घटित होगा। अष्टांग योग यानी यम पहला, नियम दूसरा, आसन तीसरा, प्राणायाम चौथा, प्रत्याहार पांचवा, धारणा छठवा, ध्यान सातवा और आठवा समाधि। जब आठवा सोपान हम प्राप्त कर लेते हैं समाधि, तो पूर्ण रोगों की निवृत्ति हो जाती है, हम भव सागर से पार हो जाते हैं। सिर्फ भौतिक रोगों और समस्याओं से मुक्ति नहीं होती, भव रोगों से समाधान मिलता है। अब यम क्या है? यम है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। हमारे जीवन में सिद्ध योग मार्ग में अपने आप यम घटित होने लगता है। सत्य, जीवन में सत्य का प्रवाह होने लगता है, हम सत्य की तरफ चलते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, सत्य बोलते हैं। फिर अहिंसा का प्रवाह होने लगता है, अहिंसा घटित होने लगती है। जीव हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा हमें कष्ट पहुंचाती है, हम अपने आप अहिंसक होने लगते हैं। अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह घटित होने लगते हैं, ब्रह्म में विचरण करने लगते हैं, दूसरों की चीजों से हम लाभ नहीं लेना चाहते, दूसरों का नुकसान करके हमें सुख प्राप्त करना अनुचित लगने लगता है। इसके बाद हमारे जीवन में नियम घटित होते हैं। नियम के भी अंग हैं जो पांच हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणायाम। ये जीवन शैली के हिस्से हैं जो हमारे जीवन में अपने आप घटित होते जाते हैं। अब शौच क्या है? शौच यानी अपने आप शरीर की शुद्धि होने की सिद्ध योग की क्रिया। हम न सिर्फ अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, बल्कि शौच के द्वारा सिद्ध योग मार्ग में कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर की शुद्धि भी करती है, सद्भावनाओं का उदय करती है,
मैत्री, करुणा, दया का प्रादुर्भाव करती है। बाह्य शौच से बाहरी शरीर शुद्ध होता है और आंतरिक शौच से आंतरिक शरीर शुद्ध होता है। आंतरिक भावनाएं पवित्र होती हैं, शरीर के अंगों के प्रति आसक्ति घटती है। आभ्यंतर शौच से मन प्रफुल्ल हो जाता है, एकाग्रता आती है, आत्मदर्शन की योग्यता आ जाती है। नियम के अंतर्गत दूसरा सोपान है संतोष। जीवन में संतोष का प्रादुर्भाव होने लगता है। यह भी लाइफ लेसन का एक हिस्सा है। जीवन में जो कठिनाइयां मिलती हैं वो हमें संतोष सिखाने के लिए मिलती हैं। किसी प्रकार की तृष्णा नहीं होती, कामनाओं का परित्याग होने लगता है। तृष्णा रहित होने से हमारे जीवन में सुख और संतोष का प्रादुर्भाव हो जाता है। नियम का तीसरा भाग है तप। सिद्ध योग मार्ग में हमारे जीवन में स्वतः ही तप आ जाता है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, हानि लाभ सहन करने की क्षमता आ जाती है। नियम का अगला भाग है स्वाध्याय। सिद्ध योग मार्ग में स्वाध्याय होने लगता है। हम जप करने लगते हैं, स्वतः ही जप होने लगता है, जिसको अजपा जाप कहा जाता है। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसका मानसिक जाप होने लगता है। इसी को उपांशु कहते हैं। इसके बाद आता है ईश्वर प्राणिधान। फल की इच्छा का परित्याग हो जाता है। समस्त कर्म परम गुरु ईश्वर को समर्पित करके हम जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। इसी को ईश्वर प्राणिधान कहते हैं। संपूर्ण क्रियाएं हम सद्गुरुदेव और ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, भगवत स्मरण करने लगते हैं। यही ईश्वर प्राणिधान है। इसके अंतर्गत हम ईश्वर के नाम, रूप, लीला, धाम, गुण और प्रभाव का श्रवण, कीर्तन, मनन करते हैं। इसी को ईश्वर प्राणिधान कहते हैं। इसमें बाधाएं भी खड़ी होती हैं, लेकिन वो बाधाएं सद्गुरुदेव की कृपा से, मंत्र जाप से खत्म हो जाती हैं। तो योग दर्शन अपने आप जीवन में घटित हो जाता है। इस योग दर्शन को सिद्ध योग के मार्ग से हम स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। लेकिन जो लोग इस योग दर्शन के मार्ग पर नहीं चल पाते, उनके जीवन में रोग दोष शोक चलते रहते हैं, क्योंकि प्रकृति हमें योग दर्शन के आधार पर विकसित करना चाहती है। जब तक हम उस योग दर्शन के आधार पर विकसित नहीं होते, तब तक हमारे जीवन में संकट खड़े रहते हैं। यम का प्रादुर्भाव या तो हम अपने प्रयत्न से करें या सिद्ध योग मार्ग से सद्गुरु देव की कृपा से हो जाए। जब तक यम का प्रादुर्भाव नहीं होगा, जब तक नियम का प्रादुर्भाव नहीं होगा, तब तक जीवन से रोग दोष शोक नहीं घटेंगे। यम, जिसके बारे में पहले ही कहा, फिर से समझ लीजिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये पांच यम है। अहिंसा को आप सहज रूप से समझ सकते हैं, मन वचन कर्म से हिंसा नहीं करना, न किसी को हिंसा के लिए उकसाना। सत्य यानी मन वाणी में शुद्ध भाव होना, उसी की तरह उसी के अनुरूप कार्य करना। किसी के जीवन की रक्षा के लिए झूठ बोलना सत्य माना गया है। अस्तेय यानी चोरी न करना, किसी भी चीज की चोरी नहीं करना। जो अपनी नहीं, ऐसी वस्तु जो दूसरे की हो उस पर अपना अधिकार जमाना, छीन लेना या मन में ही ग्रहण करने की लालसा, ये भी चोरी है। जब तक हम इस चोरी से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक अस्तेय घटित नहीं होता।
तो आप देखिए, यदि आपके जीवन में कहीं कोई चैलेंज है तो उसका कारण यही अस्तेय हो सकता है। इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य है क्या? आम तौर पर सामान्य लोग ब्रह्मचर्य का अर्थ किसी खास इंद्रिय को उसकी क्रियाओं को रोक देने से जोड़ते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म की तरह आचरण, ब्रह्म में विचरण, ब्रह्म में रमण, खान पान, दृश्य श्रवण, श्रृंगार, संसार, व्यवहार, दर्शन, स्पर्शन आदि में संयम, और संयम के साथ प्रभु का चिंतन, प्रभु में रमण, इसी को ब्रह्मचर्य कहा गया है। जब तक प्रभु में रमण नहीं हो जाता तब तक ब्रह्मचर्य घटित नहीं होगा। जब तक प्रभु की तरह आचरण नहीं हो जाता तब तक भेद दृष्टि खत्म नहीं होती। इस पर मैं कभी विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद यम के अंतर्गत आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी नहीं करना। जो भी कुछ परमात्मा ने दिया है उस पर सबका अधिकार है, उसका सबके लिए सदुपयोग करना, उसी को अपरिग्रह कहते हैं। नियम के बारे में मैंने बता दिया, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। इसके बाद आता है आसन। आसन जीवन में या तो हम करें या सिद्ध योग मार्ग में हो तो अपने आप आसन होते हैं। अपने आप विविध प्रकार की क्रियाएं होना, शारीरिक प्रतिक्रियाएं होना, शारीरिक बंध मुद्रा लगना, ये सब आसन के अंतर्गत आते हैं। ये आसन सिद्ध योग मार्गियों को स्वतः लगते हैं। तो यम स्वतः घटित होता है, नियम स्वतः घटित होता है। इसके बाद आसन स्वतः घटित होता है, फिर प्राणायाम। प्राणायाम भी स्वतः होता है। प्राणायाम से प्राणों की शुद्धि होती है। प्राणों की शुद्धि, प्राणमय कोश की शुद्धि जीवन में बहुत आवश्यक है। ये प्राणायाम सिद्ध योग मार्ग में स्वयं घटित होता है। इस प्राणायाम की जीवन में बहुत आवश्यकता है। जब तक प्राणायाम नहीं होता तब तक अध्यात्म में प्रगति नहीं होती। प्राण की कोई आकृति नहीं है, ये निराकार है। अब आता है प्रत्याहार। सिद्ध योग मार्ग में प्रत्याहार घटित होता है। इंद्रियां अंतर्मुखी होने लगती हैं। इंद्रियों से संबंधित विषयों से कुंडलिनी हमें विमुख करने लगती है। इंद्रियों का संयम होने लगता है। प्रत्याहार का अर्थ है पीछे हटना, उल्टा होना, यानी हम वापस अपने मूल की ओर चलने लगते हैं। ये प्रत्याहार अपने जीवन में या तो हम प्रयत्न से लेकर आए या हम सिद्ध योग मार्ग में चलते रहें, संजीवनी मंत्र का नाम जप करते रहें, प्रत्याहार अपने आप होने लगेगा। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर इंद्रियों का जो चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाता है वो प्रत्याहार है। इंद्रियों की वाह वृत्ति सब ओर से हटकर एकत्रित होकर मन में
लय होने लगती है और मन गुरुदेव में, परमात्मा में लय होने लगता है, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। अलग अलग ग्रंथों में प्रत्याहार को लेकर अलग अलग बातें कही गई हैं। जहां जहां यह चंचल मन विचरण करे, इसे वहीं वहीं से लौटाने का प्रयत्न कुंडलिनी शक्ति करती है और उसे आत्मा के वश में करती है। मन इष्ट में लगने लगता है, चित्त ही संसार है, इसलिए चित्त शुद्ध होने लगता है। जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता है, वैसे वैसे संसार घटने लगता है, संसार खत्म होने लगता है, मनुष्य जितेंद्रिय होने लगता है, मन जहां हम ठहराना चाहें वहां ठहरने लगता है। और इसके बाद घटित होती है धारणा। गुरुदेव ने धारणा के बारे में काफी कुछ बताया है। चित्त को किसी एक विचार में बांध लेने की क्रिया को धारणा कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने धारणा के विषय में बहुत कुछ कहा है। सामान्य रूप से हठ योगी को चित्त को किसी एक स्थिति में, एक विचार में स्थिर करना पड़ता है। किसी भी एक स्थान में चित्त को बांधना धारणा कहलाता है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वो स्वयं धारणा की स्थिति ले आती है। वो चित्त को एक लक्ष्य विशेष में बांध देती है। एकाग्रता एक बिंदु, एक वस्तु या एक स्थान पर मन को सजग कर देती है, अविचल बनाए रखने की क्षमता पैदा करती है, किसी एक लक्ष्य की ओर हमें टिका देती है। और वो लक्ष्य है इष्ट परमात्मा, आत्म साक्षात्कार। और यही धारणा ध्यान की नींव है, ध्यान की आधारशिला है। जब योगी यम नियम आसन प्राणायाम से युक्त हो जाते हैं तब धारणा घटित होने लगती है। वाह आकाश में पहले धारणा स्थिर होती है, फिर अंतराकाश के हृदय में चिंतन होने लगता है। मन देह के भीतर मौजूद इष्ट में धारित होने लगता है और यहीं से धारणा घटित होती है। जब धारणा घटित होती है तब फिर धारणा जीवन का आधार बन जाती है और धारणा ही ध्यान का आधार है। इसके बाद ध्यान घटित होने लगता है। ध्यान के बारे में तो काफी कुछ बताया ही जा चुका है, लेकिन यहां पर ध्यान कोई करने की क्रिया नहीं है। ना तो ये माइंडफुलनेस है, ना ही किसी एक जगह पर चित्त को स्थिर करने की कोई प्रक्रिया है, ना ही आज्ञा चक्र पर केंद्रित करने की कोई क्रिया है। ध्यान स्वयं घटित होने लगता है, ध्यान की स्थिति बन जाती है। और ध्यान घटित होने के बाद फिर आधारशिला बनती है समाधि की। और सद्गुरुदेव ने यही कहा है कि जब तक समाधि की अवस्था नहीं आएगी तब तक पूर्ण रोगों से निवृत्ति नहीं होगी। रोग का अर्थ शारीरिक व्याधियां ही नहीं है, रोग अनेक प्रकार के हैं। शरीर में अनेक तरह की विकृतियां पैदा होना रोग है, मन में अनेक प्रकार की वृत्तियां पैदा होना रोग है, मन का चंचल होना रोग है, मन का असंतुलित होना रोग है, मन का भ्रमित होना रोग है, मन का कमजोर होना रोग है। और आज मानसिक रोगियों की कमी नहीं है। तो मानसिक रोगों से निवृत्ति हो जाती है जब साधन समाधि की अवस्था आती है, शारीरिक रोगों की निवृत्ति हो जाती है। पूर्ण रोग निवृत्ति की बात करते हैं कि मन के संस्कार जब खत्म हो जाए, चित्त की वृत्तियों का जब निरोध हो जाए, तो उन स्मृतियों का, उन
बैड एनर्जीज का नाश हो जाता है, जिनकी वजह से किसी भी प्रकार का रोग पैदा होता है, चाहे वो शारीरिक रोग हो या मानसिक रोग हो। आधी दैविक, आधी भौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध तापों का नाश हो जाता है। इन त्रिविध तापों के कारण ही संसार है, इन त्रिविध तापों के कारण ही आवागमन है, इन त्रिविध तापों के कारण ही जीवन की समस्याएं हैं। आधी दैविक, आधी भौतिक और आधी दैहिक। दैविक ताप अलग होते हैं, दैहिक ताप अलग होते हैं और भौतिक ताप अलग होते हैं। भौतिक ताप, भौतिक साधनों का अभाव, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बुनियादी जरूरतें होती हैं, उन बुनियादी जरूरतों की पूर्ति न होने से जीवन में कष्ट होता है। उन बुनियादी जरूरतों का अभाव खत्म हो जाता है, जीवन के लिए जो भी आवश्यक है, इस बात को समझ लीजिए, जो भी नीडफुल है वो आपको मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा तब मिलेगा जब आपके अंदर वो योग्यता पैदा हो जाए कि जो प्रचुर चीजें आपको मिल रही हैं उनका आप सदुपयोग कर सकते हो, तो आपको प्रचुरता भी मिलेगी, अथाह धन मिलेगा, अथाह संपत्ति मिलेगी, लेकिन तब जब आप उसका सदुपयोग करने में सक्षम हो जाएं। यदि सद्गुरुदेव को, कुंडलिनी शक्ति को, ईश्वर को लगता है कि आप उनका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, उनके मिलते से ही आप भटक जाएंगे, उनमें लिप्त हो जाएंगे, तो आपको जरूरत के मुताबिक उतना ही मिलेगा जिसमें आप अपने जीवन को। तो आज के इस दौर में व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ना बहुत आवश्यक है, सिद्ध योग से जुड़ना बहुत आवश्यक है, और जब तक सिद्ध योग से वो नहीं जुड़ेगा तब तक उसे हर चीज के लिए प्रयत्न करना है। उसे यम के लिए प्रयत्न करना है, उसे नियम के लिए प्रयत्न करना है, उसे आसन करना है, उसे प्राणायाम करना है, उसे प्रत्याहार की स्थिति लानी है, उसे धारणा स्थिर करनी है, धारणा का आधार बनाना है, उसे ध्यान करना है, उसे समाधि लगानी है। लेकिन सिद्ध योग मार्ग में ये सब सहज गुरु कृपा से, कुंडलिनी शक्ति की कृपा से जीवन में घटित होता है। बस आवश्यकता है धैर्य की, धैर्य पूर्वक गुरुदेव द्वारा बताया हुआ मार्ग, नाम जप और साधना करते रहना, अपने कर्तव्यों में लगे रहना, जीवन के संघर्षों को स्वीकार करना, परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना, और जो भी कुछ मिला है उसे इस फॉर्मूले के तहत लेना, जो भुगते उसी की भूल। यदि मुझे कुछ भी मिला है तो वो मेरी ही जिम्मेदारी है, भले ही वो इस जीवन में मेरे द्वारा किया गया नहीं हो, वो पैदा हुआ है, इसका मतलब उसका बीज मैंने ही किसी न किसी जन्म में बोया है। और रोग दोष शोक तो अध्यात्म के मार्ग में अमृत के समान है। जो भी सुख सुविधाएं हैं वो व्यक्ति को भटकाती हैं, लेकिन चैलेंजेस, चुनौतियाँ, संघर्ष व्यक्ति को बार बार ईश्वर की याद दिलाते हैं। तो जो विष नजर आता है वो अमृत बन जाता है, जो अमृत नजर आता है वो विष बन जाता है। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव जी।